हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द गियर ट्रेन ऑफ कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द रिवर्टेड गियर ट्रेन एंड वन न्यूमेरिकल ऑन द रिवर्टेड गियर ट्रेन। ओके, ओके। एंड इन प्रीवियस क्लास वी टेक अ न्यूमेरिकल ऑफ एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। एंड द क्वेश्चन नंबर वन वी शोन दैट इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एन आर्म कैरिज टू गियर्स ए एंड बी हैविंग 36 एंड 45 टीथ रेस्पेक्टिवली। एंड दिस न्यूमेरिकल हैज बीन सॉल्व इन अवर प्रीवियस क्लास बाई टू मैथड्स। फर्स्ट वन इज द टेबुलर मैथड एंड अदर वन इज द अलजेब्रिक मैथड। नाउ इन टूडे क्लासेस वी विल टेक एंड वन मोर न्यूमेरिकल ऑन दिस गियर ट्रेन। ओके, एंड इन दिस द न्यूमेरिकल इज द इन अ रिवर्टेड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन द आर्म कैरीज टू गियर बी एंड सी एंड द कंपाउंड गियर डी एंड ई। द गियर बी मैशेज विद गियर ई एंड द गियर सी मैशेज विद गियर डी। द नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी सी एंड डी आर 75, 30 एंड 90 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी व्हेन द गियर बी इज फिक्स एंड द आर्म मेक्स एन 100 आरपीएम क्लॉकवाइज। ओके, इन दिस क्वेश्चन हमको इसमें डायग्राम नहीं दे रखा है, तो फर्स्टली हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसका डायग्राम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवर्टेड गियर ट्रेन है, इसमें आर्म ए, सबसे पहले जो आर्म ए है, आर्म ए आपने बना दी, दिस इज कॉल्ड आर्म। इट इज कॉल्ड आर्म ए कॉल्ड आर्म ए, एंड कैरीज टू गियर बी एंड सी एंड द कंपाउंड गियर डी एंड ई। कैरी कर रहा है टू गियर बी एंड सी एंड द कंपाउंड गियर डी ई। ओके, द गियर बी मैचेस विद गियर ई एंड द गियर सी मैचेस विद विद गियर डी। ओके, इट मीन्स दिस इज गियर बी, बी इज मैशेज विद गियर ई, तो बी इज मैशेज विद गियर ई, दिस इज गियर ई एंड बी एंड सी इज कंपाउंड एंड डी ई इज कंपाउंड गियर सी मैचेस विद गियर गियर डी। गियर सी इज मैशेज विद ओके, दिस इज गियर डी। ओके, दिस इज गियर डी एंड दिस इज गियर सी। ओके, तो फर्स्टली हमने डायग्राम तो बना लिया। एंड इन द गिविन डाटा इन दिस क्वेश्चन इज एंड नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर बी बी सी एंड डी, यानी कि टी बी हमें दे रखा है 5,75, टी सी हमको दे रखा दे रखा है 30 एंड टी डी हमको दे रखा है 90। एंड फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ गियर सी व्हेन द गियर बी इज फिक्स एंड द आर्म मेक्स एन 100 आरपीएम क्लॉकवाइज।
तो आर्म क्या है ए, तो हमें एन ही दे रखा है 100 RPM। अब मेनली हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो टेबुलर मेथड से करते हैं, क्योंकि जैसे ऐसे क्वेश्चन हमारा लेंथी हो जाता है तो हमारा मेथड जो एल्जेब्रिक मेथड होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ओके, एंड फ्रॉम द डायग्राम वी सी दैट, फ्रॉम ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू डी बी प्लस डी ई ए इक्वल टू डी सी प्लस डी डी ना डायग्राम में हमें दिख रहा है। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एंड द नंबर ऑफ बीट ऑन ईच गियर फॉर द सेम मॉड्यूल। ये सेम मॉड्यूल है तो जो आपका नंबर ऑफ ईट टीथ होता है इज होगा वो प्रोपोर्शनल टू द होगा फिक्स्ड सर्कल फीचर, डायमीटर। तो हम डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, टीसी तो फॉर सेम मॉड्यूल। तो टीबी प्लस टीई इक्वल टू टीसी प्लस टीडी ओके एंड सॉल्व दिस। टीबी भी पता है, टीसी भी पता है, टीडी भी पता है, सो पुट द वैल्यू एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टीई एंड फाइव। कैलकुलेट दिस दिस वैल्यू इज द 45। ओके, ये हमें टी पता चल गया है। अब हमें टेबल बनानी है, सेम वही टेबल बननी है। स्टेप नंबर, कंडीशंस ऑफ मोशन, मोशंस, मोशन रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट, ओके पोजीशन एंड रिवोल्यूशन के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। आर्म ए है, फिर कंपाउंड डी डीई है, फिर आपका गियर डी गियर सी, डीई इज गियर बी एंड देन फाइनली इज गियर सी। टेबुलर मैटर इज इजी कंपेरिजन टू एल्जेब्रिक मैथड। थोड़ा सा एल्जेब्रिक मैथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ही हो जाता है कि जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं तो थोड़ा सा आपका जनरली टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, नॉट अ टफ या टाइम कंज्यूमिंग। ओके, ओके, फर्स्ट एंड द वन, फर्स्ट स्टेप्स इज द आर्म फिक्स एंड आर्म के बाद जो गियर है वो प्लस वन रिवोल्यूशन। आर्म फिक्स और आर्म के बाद कौन सा है, कंपाउंड, कंपाउंड डीई मेक्स वन रिवोल्यूशन, मेक्स प्लस वन रिवोल्यूशन। आर्म फिक्स इट मीन जीरो, कंपाउंड डी प्लस वन एंड जी ई एंड गियर बी हमें निकालना है। बी इज मैचेस विद द वी मैचेस विद द ई एंड द एंड इट इज द एक्सटर्नल मैचिंग एंड गियर। जब डी ई आपका प्लस वन रिवोल्यूशन से मूव करेगा तो बी आपका माइनस रिवोल्यूशन से मूव करेगा एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज द माइनस टी ई इंटू टी बी, माइनस टी ई ओवर टीवी एंड गियर सी। एंड गियर सी इज मैचिंग विद द गियर डी एंड इसे कैलकुलेट करेंगे, इट इज द टी डी ओवर टी सी। ओके एंड सेम
जैसे हमने प्लस वन के लिए लिया है वैसे ही हमको लेना होगा, प्लस एक्स के लिए रिवोल्यूशन, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा एंड इट इज माइनस के एक्स टी ओवर टी बी माइनस एक्स टी डी ओवर टी सी। ओके एंड थर्ड पॉइंट इज द एड प्लस वाई रिवोल्यूशन ऑल, तो प्लस वाई सब में ऐड कर दिया एंड फाइनली सॉरी फाइनली इज द टोटल मोशन प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई माइनस एक्स टी ओवर टी बी वाई माइनस एक्स टी डी ओवर टी सी। अब हमें टोटल मोशन देखना है। अब उनको क्वेश्चन में क्या कहा है, गियर बी इज फिक्स, गियर बी इज फिक्स, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ गियर बी, वाई माइनस एक्स टी ओवर टी बी, तो वाई माइनस एक्स टी ओवर टी बी इज फिक्स, तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू जीरो। सो वाई एक्स माइनस इंटू टी टी इज द 45 फाइव एंड टी बी इज द 75 इक्वल टू जीरो, देन इसे आपने सॉल्व किया तो वाई माइनस 0.6 एक्स इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। एंड सेकेंड कंडीशन हमें क्या दे रखा है, जो आर में वो मेक्स द रिवॉल्यूशन ऑफ 100 आरपीएम क्लॉकवाइज। आर पे हन आर जो क्लॉकवाइज भी टेकन एज ए नेगेटिव, तो आर्म का टोटल मोशन है वाई, वाई इक्वल टू माइनस के 100। सो पुट इन इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन में वाई इक्वल टू माइनस 100 पुट कर दिया, तो माइनस 100 माइनस 0.6 एक्स इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू माइनस के 166 पॉइंट 67 आरपीएम। ओके और हमको क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है स्पीड एंड डायरेक्शन अब ऑफ गियर सी, गियर सी की स्पीड क्या है एंड सी इसका टोटल मोशन कितना आ रहा है, एलसी इक्वल टू टी वाई माइनस एक्स टी डी ओवर के सी। एंड वाई की वैल्यू माइनस 100, एक्स की वैल्यू माइनस के माइनस माइनस प्लस 0.6 सेवन एंड टी डी इक्वल टू 90 एंड टी सी इक्वल टू 30। सॉल्व दिस एंड वैल्यू ऑफ एन सी इक्वल इक्वल टू 400 आरपीएम प्लस। ओके प्लस मीन्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इज टेकन एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज इज टेकन एज पॉजिटिव। ओके क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि जब हम टेबुलर मेथड यूज करते हैं, इट मीन टेबुलर मेथड में यदि हमारा टेबल बन गई, फिर आप क्वेश्चन कुछ भी दे दीजिए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके नाउ वी डिस्कस द अदर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, दैट इज कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ओके इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सन एंड प्लैनेट गियर, इट इज शोन इन द डायग्राम, दिस इज द एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एंड द सन एंड प्लैनेट गियर। ओके इन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कंसिस्ट ऑफ टू को एक्सियल शाफ्ट S1 and S2, which is shown in a figure. S1 and S2 is the coaxial shaft, and annulus gear is the A,
And which is fixed? The compound gear of planet gear is the B and C, the sun gear D and the arm H. यानी कि जो हमारा कंपाउंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है इसमें ये एलिमेंट होते हैं कौन कौन से टू कोएक्सिस्ट होते हैं एस वन एच टू एनुलस गियर ए होता है कंपाउंड गियर बी सी होता है सन गियर डी एंड द आर्म इज एच. इसको हमने सिंपल डायग्राम के थ्रू इसमें शो किया गया है. तो इसमें हमें दिख रहा है कि आर्म एच दिख रही है इसमें हमारे गियर जो कंसिडर कर रहा है बी सी एंड डी एंड ए. तो बी इज मैशेज विद द गियर डी ओके एंड सी इज मैशेज विद द गियर ए विच इज एनुलस गियर ओके. तो द एनुलस गियर हैज इंटरनल टीथ एंड द कंपाउंड गियर इज कैरिड बाई आर्म एंड रिवॉल्व्स फ्रीली ऑन अ पिन ऑफ द आर्म एच ओके. द सन गियर इज कोएक्सियल विद द एनुलस गियर एंड द आर्म बट इंडिपेंडेंट ऑफ देम ओके. तो इसमें हमारा क्या दिख रहा है जो ए और सी के बीच में कैसी मैशिंग हो रही है इंटरनल मैशिंग हो रही है ओके. और बी और डी के बीच में कैसी एक्सटर्नल. जब इंटरनल मैशिंग होती है दिख रहा है ना हमें अंदर की तरफ मैश हो रहा है जब इंटरनल मैशिंग होती है इट मीन जैसा पहला गियर मूव कर रहा है दूसरा गियर भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सटर्नल में यदि पहला गियर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा दूसरा गियर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. द एनुलस गियर ए मैशेज विद द गियर बी एंड द ओके एनुलस गियर ए मैशेज विद द गियर बी इंटरनली एंड द सन गियर डी मैशेज विद द गियर सी एक्सटर्नली ओके. इट मे बी नोटेड दैट द व्हेन द एनुलस गियर इज फिक्स्ड सन गियर प्रोवाइड द ड्राइव एंड द व्हेन द सन गियर इज फिक्स्ड The annulus gear is provide the drive. In both cases, the arm acts as a follower. यानी कि जब A gear हमारा fix होगा, तो हमें power drive कहाँ से मिलेगी? D से. और जब D fix होगा, तो कहाँ से drive मिलेगी हमें? A से. Okay. So the gear is at the center is called the sun gear, and the gear whose axis move are called the planet gear. Okay. Latches T B T C and T D be the teeth. And the NA, NB, NC, and D with the speed of the gear A, B, C, and D respectively. A little consideration will show that when the arm is fixed, the sun gear D is turned anti-clockwise, and then the compound gear B and C and the annulus gear will rotate the clockwise direction. Okay, same इसमें भी हमारी ये table बनेगी. Table बनेगी. And step number one is same वही है. Arm fixed. आर्म फिक्स होनी है फिर आर्म के बाद जो भी गियर है उस गियर का हमें प्लस वन रिवोल्यूशन उसे हमें देना है ओके. तो हमने वही कह रहा है आर्म फिक्स इट इज जीरो इसकी स्पीड क्या होगी जीरो गियर डी इज द प्लस वन रिवोल्यूशन एंड कंपाउंड गियर बी सी सी डी गियर डी एंड बी मैशेज एक्सटर्नली तो देन गियर डी इज मूव प्लस वन डायरेक्शन then the gear C is in moving minus direction okay. So it is minus TD over TC. ये हमें formula पता है ये किस formula से आता है हमें पता है NA यदि हम बात करते हैं NA over NB equal to TB upon TC यदि हम NA की value को TB upon TC into NA तो यहीं से हमने ये formula भी निकाला है यदि हम बात करें तो ओके जस्ट अ मिनट हाँ तो हम बात क्या कर रहे हैं गियर बी गियर डी की हमारी गियर डी जो है हमारा उसके रिवोल्यूशन है प्लस वन यानी कि एन डी इक्वल टू प्लस वन. तो हमें बी सी के लिए निकालना है एंड कंपाउंड बी सी तो क्या होगा एन बी सी ओवर विच इज मैशिंग विद द डी एंड डी इक्वल टू टी डी ओवर टी सी ओके. सो एन बी सी इक्वल टू टी डी ओवर टी सी इंटू एन डी
and BC equal to TD over TC and it is equal to 1. It means TD over TC, but it is move in positive direction, then the compound is in negative direction. Okay, so it means here TD over TC. Okay, then same in for a gear A. A gear A is matches with the gear A. It matches with the gear B. So gear B की value speed up के ये दे रखी है मैच TD over TC and it is same because it is matches internally. So TD over TC is the speed and it is हमें निकालने की चाहिए gear A की तो TB over TA. Okay. And for second step is the unfixed gear D makes a throw press one revolution. तो जब हमने 1 के निकाल लिए तो x के लिए हम उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके एंड थर्ड वन इज द एड प्लस y रिवोल्यूशन टू ऑल द एलिमेंट. सब में हमने प्लस y ऐड कर दिया एंड लास्ट इज द फाइनल मोशन एंड वी कंसीडर ऑल इज द टोटल मोशन. ओके टेक अ न्यूमेरिकल एंड एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन of three gears A, B and C as shown in figure. The gear A has 72 internal teeth. Okay. And gear C has 32 external teeth. The gear B matches with the gear both A and C and is carried on an arm EF which rotates about the center of A at 18 rpm if the gear A is determine the speed of gear B and C. Okay. Numerical, we take a numerical. Okay. This is the diagram and in this given data is the the gear A has the 72 external teeth, TA equal to 72 and gear C has the 32 and TC equal to 32 teeth. Okay. And speed of the arm EF is 18 rpm, yani ki n ef equal to 18 rpm. Now we make a table. Okay, just a minute. तो सबसे पहले क्या है कंडीशंस ऑफ मोशन. आर्म फिक्स. अब आर्म के बाद कौन सा गियर लेंगे या गियर सी ना होके गियर डी ना होके गियर कौन सा होगा. यहाँ पे होगा आपका गियर सी. ओके दिस इज अ नॉट ओके गियर गियर बी.
ओके हम इसे बना लेते हैं टेबल को ही। फर्स्ट इज द स्टेप एंड द कंडीशंस ऑफ मोशन मोशन रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले मैं एलिमेंट पता चलना चाहिए कौन कौन से एलिमेंट्स है। ओके एंड इसमें क्या है आर्म ई एफ आर्म ई एफ एंड गियर सी। गियर सी से मैशिंग है गियर बी एंड देन गियर ए। ओके ओके तो वन स्टेप आर्म फिक्स एंड गियर ए हैज अ प्लस वन गियर सी हैज अ प्लस वन रेवोल्यूशन तो इट इज जीरो इट इज प्लस वन and gear B and C is mashing with externally and the speed of gear B is the TC over TB and the gear A speed is the minus K A and B is mashing B is mashing with the gear A internally so then has the same direction TC over TB into TB over TA That is equal to TV and TV cancel out minus K TC over TA. Okay. And plus S revolution 0 plus S minus S TC over TV minus K X TC over TA. Add plus Y revolution plus Y plus Y plus Y. प्लस वाई टोटल मोशन टोटल मोशन वाई एस प्लस वाई वाई माइनस एक्स टी सी ओवर टी वी वाई माइनस एक्स टी सी ओवर टी ए दैट इज द टोटल मोशन। ओके हाँ सबसे पहले हमें गियर जब हमें गियर ए और सी का टीथ दे रखे हैं तो हम पहले यहां पे ज्योमेट्री के थ्रू बाकी जो गियर्स बचे उनके टीथ को निकालेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री According to the geometry, DB plus DC upon 2 equal to DA over 2. It means 2DB plus DC equal to DA. And there is same module. So it means 2DB TB plus TC equal to TA. And the put the value of A and C, then find the value of B that is the 20. TV का आपका टीथ कितना आ गए 20. ओके टेबल भी पता चल गई टीथ भी पता चल गया सबकी। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या कहा है पहला हमें कहा है आर्म की स्पीड दे रखी है 18 आरपीएम। ओके तो y इक्वल टू कितना दे रखा है हमें 18 and the find the gear A is and the gear A is fixed. So then the speed of B and C. Gear A is fixed. Gear A fixed. So gear A की हमारी speed total motion क्या है? Gear A का सबसे last वाला है. It means Y minus X. TC over TA equal to 0 implies
y equal to n minus x, tc equal to 32 and ta equal to 72. 0, solve this and find the value of x and is equal to the 40.5. So firstly we determine the value of gear C, that is gear C is the x plus y. Speed of gear C is the x plus y. Okay. And C equal to x plus y. And value of x is 40.5. And y equal to 18. So add this. And it is the 58.5 RPM. Let's say, so in the direction of arm. Okay, now speed of the gear C, gear B, that is N B. The final motion of NB is the y minus x tc over tb, 18 minus 40.5, and tc is the 32 and tb humne jab find kiya to 20, so solve this is the minus 46.8 rpm. And 46 point minus, it means 46.8 speed of gear B in opposite direction in of arm. Okay, now next numerical is the an epicyclic gear train of arranged as shown in figure. How many manipulations does the arm to which the pinion B and C are attached make? Number one is the when A makes one revolution clockwise and B makes half revolution anti-clockwise, and number two is the when A makes one revolution clockwise and D is stationary, that is fixed. Okay, the number of teeth on the gear A and D are 40 and 90 respectively. Okay, and given data is the TA equal to 40 and TB equal to 90, and according to the diagram DA plus DB plus DC equal to DD, and B and C is the identical. So DA
plus 2db equal to dd, because db equal to dc. Both are the identical. So it means it is replaced with the t, because it have a same module, and we know that the t circle diameter is proportional to the t. Plus 2 TB equal to TD, and solve this. This is 40 plus 2 TB. TB it means TD equal to 90. Then TB equal to 45 and TC equal to 25. Okay. Now we make a table. Step, conditions of motion, revolution of element, एंड आपके कौन कौन से एलिमेंट है आर्म में, आर्म के बाद आपका गियर ए है, कंपाउंड बी सी, एंड गियर डी. ओके, फर्स्ट वन इज द आर्म इज फिक्स एंड गियर ए इज प्लस वन रिवोल्यूशन. आर्म फिक्स मीन्स जीरो एंड प्लस वन, सी इट इज माइनस एक्सटर्नल मैशिंग, टी ए ओवर टी बी, एंड गियर डी इज द इट इज ऑल्सो अ इंटरनल मैशिंग, सो दैट इट इज द सेम डायरेक्शन, माइनस टी ए ओवर TB into TB over TD. TB and TB cancel out. TA over TD minus K. Okay. And for a plus Y revolution, 0 plus, sorry, plus Y, plus X. Plus x revolution, plus x minus ks, ta over tb, minus kx, ta over tb. And adding plus y revolution, total motion total motion is the y आर्म का, एंड गियर ए का x प्लस y, कंपाउंड बी सी इज द y माइनस x, टी ए ओवर टी बी, एंड गियर डी इज द y माइनस x, टी ए ओवर टी डी. ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन इज द स्पीड ऑफ आर्म व्हेन ए मेक्स वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज एंड डी मेक्स हाफ रिवोल्यूशन एंटी क्लॉकवाइज. ए मेक्स वन रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज, दैट इज गियर ए का टोटल रिवोल्यूशन इज द एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन. ओके,
And gear D makes a half revolution anti-clockwise. First condition हमें ये दे रखी है, second condition gear D is the it will total motion y minus x TA over PD equal to 1 by 2. We have two unknowns and two equation, then हम निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू. We solve this, so value of x is the solve x equal to the 1.04 and value of y equal to the minus के 0.04. X value is the minus and this is the plus. And solve this. Speed of the arm is the y and arm equal to plus y, it means 0.04 rpm, it means and t clockwise. Okay. Now, and the second condition is the speed of the arm when A makes one revolution clockwise and D is stationary. It means x plus y equal to 1 and gear D is stationary. It means y minus x TA over TD equal to 0. Gear D का आपका total motion हमारा यही है. ओके, दो इक्वेशन वी हैव ऑल, अगेन टू इक्वेशन एंड टू अननोन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स इक्वल टू माइनस 0.692 एंड वाई इक्वल टू माइनस 0.308. Then speed of the arm, that is plus y, it means minus k 0.308 rpm. Minus means 308 rpm clockwise. Okay. ये हमको एक साइन लेके चलना है, या तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लीजिए. ओके, वी हैव अ टाइम. ओके, ये न्यूमेरिकल भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं. इन एन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन द इंटरनल व्हील ए एंड बी एंड द कंपाउंड व्हील सी एंड डी रोटेट इंडिपेंडेंटली अबाउट एक्सिस ओ. द व्हील ई एंड एफ रोटेट ऑन पिन फिक्स्ड टू द आर्म जी. E gear with the A and C and F gear with the B and D. All the wheels have the same module and the number of teeth is 6. So firstly sketch the arrangement, then find the number of teeth on A and B. If the arm G makes 100 rpm clockwise and A is fixed, find the speed of V. And the fourth one is that if the arm G makes 100 rpm clockwise and wheel A makes 10 rpm counterclockwise, फाइंड द स्पीड ऑफ वी. हमको कुछ नहीं करना है, हम इसमें आपका पहले डायग्राम बना के टेबल बनाएंगे, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या हमको क्या क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका डायग्राम बनाना है. ओके, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है. इन एन एपी साइक्लिक गियर ट्रेन इंटरनल व्हील ए एंड बी. इंटरनल व्हील कैसे है, ए और बी हमने इंटरनल व्हील बनाए.
You get gear A and this is the gear B. Internal. Okay. Now, and the compound wheel C and D. Compound wheel is the C and D. सेंटर में कंपाउंड व्हील है सी एंड डी. ओके, इंडिपेंडेंटली अबाउट एन एक्सिस ओ, ओ एक्सिस के अबाउट एक आपकी आर्म होगी. ओके, the wheel E and F rotate fixed to the arm G. E gears match with gear A and C. A और C से match कर रहा है E. A बाहर वाला और C मेरा ये वाला. Like that. ये दोनों match ही गया. Okay. This is the gear E. And gear F matches with B and D. B or D से. It means this is F. Okay. Diagram तो बन गया हमारा. The same module and हमें question में given है. TC equal to 28. TD equal to 26, TE and TF equal to 18. डायग्राम बन गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अब हमें सबके टीथ निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी सी दैट DA इक्वल टू DC प्लस 2DE. इट मींस TA इक्वल टू सेम मॉड्यूल है TC प्लस 2TE. तो TA इक्वल टू 28 प्लस 2 इंटू 18, इट मीन्स 64. ये भी निकल गया टी ए. एंड अगेन फॉर द डी बी इक्वल टू डी डी प्लस 2 डी एफ. एंड अगेन फॉर द टी टी बी इक्वल टू टी डी प्लस 2 TF. Again, 26 TB equal to 26 plus 2 into 18, that is 62. हमने सबके टीथ भी निकाल लिए. अब फाइनली हमको मोशन निकालना है. तो फाइनली हमको क्या बनानी है, इसकी टेबल. ओके, तो सबसे पहले स्टेप वन, कंडीशन ऑफ मोशन, देन रिवोल्यूशन ऑफ एलिमेंट. तो सबसे पहले एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है. सबसे पहले तो हम आर्म ही लिखेंगे, आर्म जी. फिर देन बाहर से अंदर की तरफ, अंदर से आप बाहर की तरफ भी चल सकते हैं, बाहर से अंदर की तरफ भी. व्हील ए, देन व्हील ए की मैचिंग हो रही है ई से. ई ई की मैचिंग है कंपाउंड सीडी से. एंड फिर सीडी की मैचिंग से एफ से. एंड देन फाइनली व्हील बी. इसके मैं फाइनल मोशन लिख देती हूँ, वैसे ही सॉल्व करना है. एंड टोटल मोशन पे मैं बात आ जाती है, टोटल मोशन की बात कर रही हूँ. टोटल मोशन इसका प्लस वाई, इसका एक्स प्लस वाई, इसका वाई प्लस एक्स टी ए ओवर टी, इसका वही आपको सॉल्व करना है, पूरा सारा स्टेप करना. टी सी यही आएगा वाई प्लस एक्स टी ए ओवर टी सी इंटू टी डी ओवर टी एफ. एंड व्हील बी का वाई प्लस एक्स इंटू टी ए ओवर टी सी.
इनटू टीबी ओवर, सॉरी टीडी ओवर टीबी। ओके फाइनली फर्स्ट में क्या कहा है क्वेश्चन में, एंड आर्म मेक्स द 100 RPM क्लॉक वाइज। आर्म यानी कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है वाई इक्वल टू 100 RPM माइनस के, क्योंकि क्लॉक वाइज है। एंड अगेन नेक्स्ट कंडीशन इज द ए इज फिक्स, ए मीन्स फिक्स मीन्स एक्स, पहले इक्वेशन ये है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 100। ओके सो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ व्हील बी, व्हील बी की स्पीड निकालनी है, दैट इज एंड सफिक्स में बी इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स टी ए ओवर टी सी इंटू टी डी ओवर टी बी, ऑल वैल्यूज हमने रखी, इट इज इक्वल टू माइनस के 4.2 RPM। इट मीन्स एन बी इक्वल टू 4.2 RPM क्लॉक वाइज। एंड नेक्स्ट कंडीशन, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, ओके दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 हमसे पूछा है कि इफ द आर्म मेक्स 100 RPM क्लॉक वाइज, इट विल वाई इक्वल टू माइनस के 100, दैट इज थर्ड इक्वेशन। एंड वी ए मेक्स 10 RPM काउंटर क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज में एंटी क्लॉक वाइज, इट मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 100 RPM फ्रॉम दिस से, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, वाई इक्वल टू दिस है तो इम्प्लाइज फ्रॉम से एक्स इक्वल टू कितना आ गया 100, 10 RPM, सॉरी 10 RPM नॉट 100, दिस इज द 10। ओके तो इट इज द 110, एक्स इक्वल टू 110, 110। और हमको निकाला गया स्पीड ऑफ व्हील बी एन बी, दैट इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स टी ए ओवर टी सी इंटू टी डी ओवर टी बी। ये पहली वाली है, लेकिन एक्स वाई की वैल्यू चेंज होगी, इसे हमने सॉल्व किया तो इट इज इक्वल टू आया हमारा प्लस के 5.4 RPM, 4 RPM प्लस आ रहा है। इट मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, सकते हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ओके ये हमारे यहाँ पे गियर ट्रेन खत्म हो गया है। इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द यूनिट 5th, दैट इज कैम। ओके ओके थैंक यू क्लास।